चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा शहर के पार्कों में प्रवेश शुल्क लगाने के पहलुओं पर विचार किया जा रहा है और निगम राजस्व बढ़ाने के लिए पार्क को नए स्रोत के तौर पर दिखाने की लगी है, जिसका विरोध अब और तेज हो गया है। पिछले 3 दिनों से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जो शहर के पार्कों में लोगों के विचार जान रहे थे, उन प्रपत्र को लेकर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष लव कुमार अपने 8 सदस्य वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडल सदस्यों दीपक लुबाना, साहिल दुबे, मनोज कुमार, रवि पराशर, विनायक बंगिया, सुखदेव सिंह, धीरज गुप्ता और दमनप्रीत सिंह के साथ निगम आयुक्त से मिले और उनका जनता के विरोध से अवगत करवाया और विरोध स्वरूप ज्ञापन भेंट किया। उसको लेके आपने मेमोरेंडम लेके आया नगर निगम के अधीन, आपका क्या कहना है? ऐसा है कि जैसा आप जानते हैं कि जो नगर निगम में भाजपा के जो नुमाइंदे बैठे हैं, उनके द्वारा कुछ दिनों पहले एक प्रस्ताव लेके आए थे जो कि जो पार्क्स हैं, जो कि लोग जो डेली मर्रा की सैर क्या करते हैं सुबह शाम, उनके ऊपर टैक्स लगाने का काम कर रहे हैं। तो युवा कांग्रेस ने उसके ऊपर 3 दिन से हस्ताक्षर अभियान अपना चलाया हुआ। जो पार्क इन्होंने पॉइंट आउट किए थे, उन पार्कों के बाहर चंडीगढ़ युवा कांग्रेस की तमाम सभी टीमों ने अपनी वहाँ ड्यूटी देके सभी की जो आम जनता जो दो शहर के करते हैं उनकी राय ली है और वो राय को लेकर आज हम यहाँ कांग्रेस यहाँ पे नगर निगम के बाहर पहुँचे थे और जो यहाँ के कमिश्नर हैं MC के, उनको आज हमने वो विज्ञापन दिया जो आम जनता की आवाज़ थी उन तक भिजवाई है। क्योंकि आप जानते हैं कि शायद जो नगर निगम उसकी भाजपा के जो यहाँ नुमाइंदे बैठे हैं, उनके पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो आम जनता की राय ले सके, इसलिए यूथ कांग्रेस की टीम ने वो काम कर यहाँ भाजपा के जो नुमाइंदे उन तक आवाज़ उठाई कि आप ये जो जारी करें वो जारी आप ना करें, जो शुल्क लगा रहे हैं शुल्क ना अपनाएं। आज प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताज़ा अपडेट्स और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव।